असली साधु संतों का जीवन सांसारिक मोहमाया से दूर होता है, वो इन सांसारिक बंधनों से खुद ही दूर भागते हैं। आदि शंकराचार्य ने तो इसके लिए अपना जीवन शुरू से ही लगा दिया था। बाद में जब मठों का गठन होने लगा और उनकी संख्या बढ़ने लगी, तब उनका विस्तार भी होने लगा। मठों का विस्तार हुआ तो उसकी संपत्ति भी बढ़ी। मठों और अखाड़ों में बाद में वर्चस्व के लिए इन साधु संतों में विवाद भी होने लगे। चूंकि दान दक्षिणा या जो भी आय होती थी उस पर महंत का पूरा कब्जा रहता है। किसी भी मंदिर या मठ का महंत सियासी रसूख भी रखने लगता है, उसकी लालसा बढ़ती जाती है और यही सब चीजें महंत के चेलों को अपराध के लिए उकसाती है। अयोध्या की हनुमानगढ़ी में साधु की हत्या इसी मकसद से की गई थी। अक्टूबर को अयोध्या के हनुमानगढ़ी से जुड़े साधु राम सहारे दास की हत्या के बाद से फिर ये चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर क्यों हो रही है मठों में साधु संतों की हत्या। इस तरह की घटना दोबारा न हो, इसलिए अपने अयोध्या दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या के मठ मंदिरों में रहने वाले साधु संतों, शिष्यों और अन्य लोगों का सत्यापन कराया जा रहा है। 2024 का चुनाव प्रभावित करने के लिए और जो राम मंदिर का 22 जनवरी 2024 को उद्घाटन है उसको प्रभावित करने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र है। लगातार अयोध्या में साधु संतों की हो रही है हत्या और अपहरण, साधु संतों के जमीन मठ मंदिर कब्जा किए जा रहे हैं और जो अपराधी हैं उनके हौसले बुलंद हैं। प्रशासन अपराधियों को खुली छूट दिया हुआ है और जो अच्छे सीधे साधे संत हैं उनकी निर्मम नृशंस हत्या से अयोध्या जो है डरी सहमी हुई है, संतों में भय का माहौल है। अयोध्या में गुरु शिष्य परंपरा सदियों से चलती आ रही है। यहाँ मंदिर के महंत अपने मठों में सेवादार, पुजारी और भंडारी जैसे लोगों को रखते हैं ताकि मंदिर के संचालन में उन्हें आसानी हो। ऐसा करने के लिए उन्हें किसी से अनुमति भी नहीं लेनी होती, लेकिन पिछले कुछ महीनों में हुई घटनाओं के बाद संतों में एक दहशत का माहौल है। अयोध्या में साधु संतों की हत्या करने वाले जो लोग हैं वो अराजक तत्व आकर के पहले मठ मंदिरों में अपना आश्रय लेते हैं और इसमें कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि हमारे संत समाज की भी लापरवाही रही है। संत समाज की लापरवाही ये रही है कि रखने से पहले किसी भी व्यक्ति को, किसी भी किराएदार को, किसी भी स्थान में किसी भी मूर्ति को रखने के पहले, किसी भी व्यक्ति को रखने के पहले पूर्ण रूप से इसका निरीक्षण और परीक्षण करना चाहिए, उसके बाद में उसको रखना चाहिए आश्रम पर। और अगर हम जाने अनजाने व्यक्ति, किसी अनजान व्यक्ति को रख लेते हैं, उसके विषय से पूर्ण संतुष्ट नहीं है, तो निश्चित है हमारे साथ धोखा ही होगा। राम सहारे दास की हत्या करने वाले उन्हीं के दो शिष्य निकले जो सांसारिक मोहमाया और अपने परिवार को छोड़कर साधु बनने आए थे, लेकिन मठ में आते ही उनके ऊपर महंत की पदवी और पैसे का लालच सवार हो गया था। एक शिष्य अंकित दास ने दूसरे नाबालिग शिष्य को लालच देकर अपने साथ मिला लिया। हत्या के पहले इन लोगों ने सीसीटीवी कैमरे को बंद कर दिया। इनकी निशानदेही पर घटना में जो आला कतल यूज किया गया जो कि चाकू है उसको बरामद कर लिया गया। उसके अतिरिक्त वहां से चोरी किए गए पैसे जो कि इन दोनों के पास थे उसको भी दोनों की निशानदेही पर बरामदगी कर ली गई है। घटना में अभी तक जो मुख्य कारण इनके द्वारा बताया गया, इनके द्वारा अपना घटना में होना कबूल किया गया और कारण के संबंध में बताया गया है कि हाल ही में जो भी पुजारी जी का पैसा इकट्ठा हुआ था उसको धुलाई करना और संभालने का काम यही लोग कर रहे थे, तो इनको जानकारी थी कि इनके गुरुजी के पास पैसा पड़ा हुआ है, उसी को चुराने की नियत से अंकित दास के द्वारा जो बालापचारी है उसको पैसे का लालच दे करके एक योजना बनाई गई। अंकित को यह भी लालच था क्योंकि 2017 से वह यहीं पे शिष्य के रूप में था और कोरोना के टाइम पे चला गया था, 3 महीने बाद दोबारा वापस आया था, तो उसके मन में यह भी एक लालच था कि इनकी मृत्यु के बाद उसका एक क्लेम रहेगा उनकी जगह पे स्थापित होने के लिए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मृतक राम आसरे के पास करीब 1 करोड़ रुपए कैश था जिस पर उनके चेलों की नजर थी। आरोपी झारखंड के रहने वाले हैं और 8 महीने पहले ही आश्रम आए थे, यहीं पर रहकर पढ़ाई की जा रही। पुलिस ने उसके पास से चोरी के कुछ रुपए भी बरामद किए हैं। टीम न्यूज स्टेट। अब ये जानना बेहद जरूरी हो चला है कि आखिर धर्म और अहिंसा की राह पर चलने वाले इन संतों की हत्या के पीछे का कारण क्या है, क्योंकि साधु संतों को तो मोह माया से कोई मतलब नहीं होना चाहिए।
माना जाता है कि जड़ जोड़ जमीन इन्हीं तीन चीजों के पीछे ही अपराध होते हैं और साधु संतों के साथ ये तीनों ही चीजें नहीं होनी चाहिए। फिर क्यों होती है इनकी हत्या? और देश की सबसे शक्तिशाली पीठ में से एक हनुमानगढ़ी पीठ के बारे में जानते हैं। हनुमानगढ़ी पीठ में वर्चस्व की लड़ाई दशकों से चली आ रही है। यहाँ 38 साल में 20 से ज्यादा साधु संत और महंतों की हत्या हो चुकी है और हैरत की बात है कि ये सब सिर्फ धन दौलत संपत्ति और पद पर कब्जे के लिए होता है। यहाँ का अपना संविधान है, अपनी पंचायत, और ये अपने तरीके से ही फैसला करते हैं। ये सिलसिला 80 के दशक से शुरू हुआ है। आपको बता दें कि 38 साल में हनुमानगढ़ी में 12 संतों महंतों की हत्याएं हो चुकी हैं। 1984 में बसंतिया पट्टी के महंत शुभकरण दास की हत्या हुई थी, तो 1987 में सागरिया पट्टी के हरिभजन दास की हत्या हुई। 1988 में सनातन मंदिर के महंत मोहन चंद्र झा की हत्या कर दी गई, तो 1990 में उज्जैनिया पट्टी के बाबा बजरंग दास की हत्या हुई। 1996 शुक्ल मंदिर के महंत राम शंकर दास की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई और 1997 में बाबा राम कृपाल दास की हत्या कर दी गई। 1999 में महंत रामाज्ञा दास की गोली मारकर हत्या हुई, तो 2000 में महंत जगदीश दास की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 28 मई 2000 को महंत नृत्य गोपाल दास पर जानलेवा हमला हुआ, तो 2018 में विद्या मंदिर माता के संत रामचरण दास की हत्या हुई। 4 अप्रैल 2021 को बसंतिया पट्टी के बाबा कन्हैया दास की हत्या कर दी गई और 19 अक्टूबर 2023 को हनुमानगढ़ी में संत राम सहारे दास की हत्या कर दी गई। यहां गद्दी नशीन महंत का चुनाव पंचायत के सदस्य करते हैं, जो लोकतांत्रिक ढंग से ही होता है। पीठ की पंचायत के सदस्य ही महंत चुनते हैं। इसके बावजूद पद प्रतिष्ठा की लड़ाई में प्रभाव का भरपूर इस्तेमाल होता रहा है। 1.5 साल पहले पीठ के सर्वोच्च पद गद्दी नशीन के चुनाव में पूरा हनुमानगढ़ी अखाड़ा दो खेमे में बट गया था। बाद में शासन ने वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में बमुश्किल इस पद के लिए चुनाव संपन्न कराया था। जो भी साधु संत यहां आते हैं उनमें दूसरे प्रदेशों से आने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती है और मठों के महंत अपने